के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। अभी हम लोग गीत गोविंद सुन रहे थे, है ना। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट है, आप प्लीज थोड़ा सब कुछ सही हम रखिए, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। पेशेंस पेशेंस, जरूरी नहीं है पहले दूसरे दिन 10वें दिन स्टार्ट कर दें। पहले स्टार्ट किया, अभी धीरे धीरे और ठीक से करेंगे। ट्रांसलेशन है मेरे पास, बट अनलेस आई चेक कि वो ऑथराइज है, मैं शेयर नहीं करूंगा। जिसको खुद से सर्च करना है कर सकता है, मैं मना करूंगा, मत कीजिए। गलत जगह जा सकते हैं, क्यों जाना है, क्यों जाना है? थोड़ा सही हम रखिए, क्या दिक्कत है? हम लोग बहुत सारा कृष्णा की महिमा के लिए गाते हैं, आप बस भाव समझने का कोशिश कीजिए ना, इट्स ओके। देखिए, जब आज ही हम लोग पढ़ रहे थे ना चैतन्य चैतन्यमृत में, आज ही पढ़ रहे थे ना, जब बहुत सारी विभूतियां जान रहे थे तो ये जान रहे थे कि विभूति जान करके कुछ नहीं होगा, अगला श्लोक वही आया, अगला श्लोक वही आया, कि उनके बारे में क्या जान सकते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता। अच्छा यही है, ज्यादा जानने का प्रयास ना करें, जानिए, समय आएगा, ज्यादा हड़बड़ाइए नहीं, सब कुछ होगा। ओके, तो आई नो एक नहीं, बहुत सारे डिवोटीज जो वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेट कीजिए ना, थोड़ा वेट कीजिए, क्या दिक्कत है, वेट करना कोई बुरा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते प्रेयर से, उसके बाद फिर थोड़ा सा कीर्तन, और फिर हेरा पंचमी, हेरा पंचमी का स्क्रीन शेयर करना होगा किसको। तो प्रेयर करेंगी आकांक्षा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं कीर्तन, सबके साथ में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। पहले हेरा पंचमी के महिमा जानते हैं, और हेरा पंचमी की महिमा जानने से पहले एक बात जानते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है हम हमेशा कृष्णा की मानेंगे, नहीं मानेंगे आज कृष्णा की। हाँ, स्टार्ट करते हैं महिमा, उसके बाद समझेंगे मैंने क्यों बोला क्या बोला। हैं, नहीं मानेंगे आज कृष्णा की। हैं, किसकी मानेंगे अभी दो मिनट बाद पता चलेगा। तो आज है हेरा पंचमी, बहुत स्पेशल डे। क्यों स्पेशल है, क्या स्पेशल हुआ, महिमा पहले सुनते हैं, है ना। जिन लोगों ने पढ़ा हो बहुत अच्छी बात है, आरयू के मैसेजेस पढ़ा कीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जिनकी को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें और कंटिन्यू करते हैं, है ना। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी शेयर कर रही हैं। आश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हम आज हेरा पंचमी मना रहे हैं। हेरा पंचमी गुंडीचा मंदिर में एक अनूठा त्योहार है जो रथ यात्रा से पांचवे दिन होता है। हेरा का अर्थ है देखना और पंचमी का अर्थ है पांचवा दिन। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरी यानी द्वारका का प्रतिनिधित्व के मंदिर से प्रस्थान कर गुंडीचा मंदिर
जो कि वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है, वहां जाते हैं। जाने से पहले श्री जगन्नाथ जी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी जी से विदा ली और उनसे वादा किया कि वे अगले दिन वापस आएंगे। लेकिन अब पांचवा दिन हो गया है और श्री जगन्नाथ जी का कोई समाचार नहीं है। रथ यात्रा उत्सव के पांचवें दिन देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित हो जाती है और सोचती है, मेरे पति कहाँ चले गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे कुछ दिनों के लिए पर्यावरण परिवर्तन के लिए जा रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए पर्यावरण परिवर्तन के लिए जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। जब पांच दिन हो गए हैं और फिर भी वह वापस नहीं आए हैं, लक्ष्मी जी चिंतित दिखाई देती है क्योंकि उनके पति उन्हें ले जाना भूल गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए पर्यावरण परिवर्तन के लिए जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। अब पांच दिन हो गए हैं और फिर भी वह वापस नहीं आए हैं। लक्ष्मी जी चिंतित दिखाई देती है क्योंकि उनके पति उन्हें ले जाना भूल गए हैं। चार निष्क्रिय रातें बीत चुकी है और देवी लक्ष्मी निराश हो जाती है। वह पांचवें दिन गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाती है। गुंडीचा मंदिर के मुख्य द्वार अचानक एक धमाके के साथ बंद हो जाते हैं। वह भारी मन से लौटती है और गुस्से में आकर नंदीघोष रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ देती है और हेरा गोरी साही के माध्यम से गुप्त रूप से मुख्य मंदिर में लौट आती है। यह सब वे अपने प्रिय पति को सबक सिखाने के लिए करती है। यह एक बहुत ही प्यारी लीला है जो हर साल जगन्नाथपुरी में मनाई जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा थैंक यू सो मच माता जी। देखिए जगन्नाथ जी है ना, बदमाशी कर रहे हैं। जगन्नाथ टेम्पल है ना, वो श्री मंदिर बोला जाता है, श्री मंदिर है ना, लक्ष्मी देवी का मंदिर है जहां पे जगन्नाथ जी को रहने दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, स्वामी कौन है? लक्ष्मी देवी। देखिए जगन्नाथ जी से लक्ष्मी देवी बहुत प्रेम करती है, उसी लिए तो वो उनका इंतजार कर रही है और विरह को झेल नहीं पा रही है, विरह को झेल नहीं पा रही है। तो ये जो लक्ष्मी देवी का दुखी होना है या फिर जगन्नाथ जी को सबक भी सिखाना है, सब कुछ सही है, ये सब कुछ एक्चुअली में भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप सोच के देखिए, सुनने में मालूम है थोड़ा सा कभी कभी अटपटा लगता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का रथ तोड़ देना, ये कैसा है? सुनने में कभी कभी लगता है, परंतु एक बात बताइए, वो विराही है ना जिसके कारण लक्ष्मी देवी को पीड़ा हो रही है, कुछ और भी है, और उस विराह की पीड़ा में ही तो लक्ष्मी देवी ने रथ भी तोड़ा ना। तो
लक्ष्मी देवी बहुत कृपा कर रही है, ये रथ तोड़ करके भी बहुत कृपा कर रही है। अच्छा किया, सबक सिखाना ही चाहिए हैं? जगन्नाथ जी को अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए, अब स्वीकारेंगे। जब वापस श्री मंदिर आएंगे ना, हाँ, तो फिर लक्ष्मी देवी बताती हैं कि यहाँ का स्वामी कौन है ना। परंतु ये समझिए, लक्ष्मी देवी कोई जगन्नाथ जी से स्वतंत्र रह करके कोई कार्य नहीं कर रही, और एक्चुअली में जगन्नाथ जी भी लक्ष्मी देवी से स्वतंत्र रह करके कार्य नहीं कर रहा। जब हम देख रहे हैं ना कि जगन्नाथ जी चले गए, बोले थे अभी आता हूं, 5 दिन हो गए आए नहीं, तो एक्चुअली मैं लक्ष्मी देवी की प्रसन्नता के ही लिए वो ऐसा कर रहा है। विरह में भी प्रेम होता है ना, विरह में भी प्रेम होता है। देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माता जी होता है, मुझे भी समझ में आ गया था, आई थिंक सभी को समझ में आ गया। देखिए क्या होता है, हम जिस मापदंड से चीजों को देख रहे हैं, हम उसे सही जाने ये भी सही नहीं है। अपने दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं, चीजें उससे परे भी है जो हम नहीं देखते। फिर से वही बात, हमें ये नहीं जानना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि कृष्णा क्या चाहते हैं, हमें ये जानना चाहिए गुरु क्या चाहते हैं। बहुत बार ऐसी बातें होती है, आज भी बहुत बार ऐसी बातें होती है, जैसे कल भी गीत गोविंद आप लोगों ने सुना, आज भी सुने, प्रभु जी ट्रांसलेशन क्यों नहीं दिए, प्रभु जी इसका वर्ड मीनिंग क्यों नहीं दिया। अब आपको एक सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए सपोज कीजिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं ना, परंतु हमें हरे कृष्णा महामंत्र जपने तो बोल दिया जाए, परंतु जपने के लिए वो आदेश दे जो गुरु द्रोह करे, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए सम्मान नहीं है, गोस्वामियों के लिए सम्मान नहीं है, पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए सम्मान नहीं है, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला प्रपाद के लिए सम्मान नहीं है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए सम्मान नहीं है। अगर मुख से आपने आदेश प्राप्त मंत्र जपा तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। नोट कर लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र ही जपिए, परंतु कोई और बोले जो पूर्ण रूप से सम्मान करता, उसके आदेश अनुसार कार्य करे तो बहुत लाभ हो। हम हरे कृष्ण महामंत्र ही जप रहे हैं, पहले भी जप रहे हैं, बाद में भी जप रहे हैं। एक वो जो गुरु से प्रेम करता हो उसके आदेश अनुसार जपेंगे तो बहुत लाभ हो जाएगा, और दूसरा जो गुरु का सम्मान न करता हो, पूर्ववर्ती आचार्यों का सम्मान न करता हो, उसके मुख से सुनकर के हम जपेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। नारद मुनि मृगारी को वही सत्य बताए जो सत्य बहुत लोगों को मालूम होगा, परंतु शुद्ध भक्त के मुख से सुनाना, नारद मुनि के मुख से सुनाना, उसलिए वो बदल गए, इंस्ट्रक्शन किसके मुख से आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नाम लेकर के किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, आप समझिए हम लोग जिस पथ पे चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल पथ
है और सबसे ज्यादा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हर जगह अपराधी लोग भरे पड़े। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, किसी को बुद्धि के स्तर पे समझना है, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। आइए मैं दिखाऊंगा कि वो अपराधी है। ऐसे ही एक बहुत सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध मतलब जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। अब ऐसे सिद्ध को हमारा कोई जरूरी नहीं हम उनका सम्मान भी करें, हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं ना धनम न जनम न सुंदरिम। तो अगर किसी का बहुत ज्यादा फॉलोअर है तो उसका अर्थ ये हो गया कि वो शुद्ध हैं, हैं, पहुंचे हुए हैं तो शुद्ध हैं। हो सकता है सबसे निम्न हो, क्यों? फॉलोअर इसीलिए बनाया हो क्योंकि फिलोसफी से नेगोशिएट कर लिया। प्लीज समझिए, जो आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दिखता है जरूरी नहीं है वो सत्य हो। ग्रुप पे भी यही मैसेज लिखा, सामने से दिखता ना जरूरी नहीं है वो सत्य। जो गुरु द्रोही हैं उनसे संभल करके रहना है, उनके मुख से नहीं सुनना है, उनका तात्पर्य हमको नहीं चाहिए। चाहे वो वही बात बोल रहा हो जो गुरु का शिष्य बोल रहा हो, गुरु की आज्ञा पालन करने वाला हो, ये वही फर्क है। एक भौतिकवादी के मुख से बहुत मधुर रूप से हरे कृष्णा महामंत्र सुनना और दूसरा एक भक्त के मुख से सो कॉल्ड, या फिर ऐसे समझ लेते हैं, वाद्य यंत्रों के बिना हरे कृष्णा महामंत्र सुनना। कोई हारमोनियम नहीं बजा रहा है, कोई वीणा नहीं बजा रहा है, कोई ये नहीं बजा रहा है, कोई वो नहीं बजा रहा है। एक भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो बस हरे कृष्णा महामंत्र मुख से ही गा। एक भौतिकवादी के मुख से सुन करके कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति इसी तरीके से होती है। तो मेरे लिए बहुत ऊंचा मापदंड बना करके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो प्रयास जारी रहेगा और बहुत कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे 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 सब कुछ को सुचारू रूप से किया जाएगा। अभी नहीं हो रहा उसके लिए क्षमा याचना पहले ही मांग ले रहा। तो अभी नहीं हो रहा, थोड़ा संयम रखिए, सबको संयम रखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग रहा है, हम अपराधियों के मुख से नहीं सुनेंगे। दूसरा, आज सुबह भी यही हुआ, आज सुबह भी गुरु आरती में रिजवान गृहशिला प्रपात का दर्शन मात्र इसलिए नहीं कराएगी क्योंकि कोई अपराधी था। अब फिर से मैं तथ्यों के आधार पर चैलेंज करने के लिए तैयार। सोच के देखिए ना, मेरे को कितना दर्द होता होगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी में त्रुटि देखना चाहता हूं। मेरे लिए मापदंड बस श्रील प्रपात के शब्द हैं। अगर वो श्रील प्रपात के शब्दों के विपरीत कार्य करता हो तो कभी सफल नहीं हो सकता, कभी सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एकदम सेट है, तो स्टैंडर्ड से नीचे रहेगा सब स्टैंडर्ड। जैसे क्या है ना, सपोज कर घर में घर बन रहा है, किसी का घर बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक का तार लगाते हैं ना, घर में तार लगाते हैं ना। अब घर जल्दी बनाना है और तार अवेलेबल नहीं है तो हम सब स्टैंडर्ड तार लगा दें क्या? हैं? शॉर्ट लगेगा और फिर क्या होगा, आग लग जाएगा, पूरा घर जल जाएगा, चलेगा क्या? जल्दी बना दे घर, चलेगा? हैं? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1000 में से 999 गड़बड़ है। ध्यान पूर्वक तो चलना ही पड़ेगा, ध्यान पूर्वक चलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, बाकियों के लिए थोड़ा आसान है, बाकियों के लिए मुश्किल नहीं है।
जिनको आज्ञा अनुसार नहीं चलना है ना, उनके लिए बड़ा आसान है। प्रभु जी ये सब क्या बात बोल रहे हैं, हमको तो बहुत सरल लगता है, आप बोल लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं, सब हो जाता है। बाकियों के लिए आसान है, परंतु मुझे साफ साफ श्रील प्रभुपाद के शब्द समझ में आते हैं कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के शब्दों से अलग बातें बोली जा रही है। ये स्वतंत्र रहकर के कार्य करना चाहते हैं, तो हमारा उनका कोई सरोकार है नहीं। फिर से देखिए, हर चीज के लिए मापदंड होता है। हम आपको बस एक दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। कल जैसे पढ़े थे गीत गोविंद, सुने थे गीत गोविंद, कृष्णा को अत्यंत प्रिय है, जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। ठीक है, कृष्णा को जो प्रिय हम वही करेंगे, हम सुनेंगे। फिर श्रील प्रभुपाद से भी इंस्ट्रक्शन पाए। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला था कि आप जगन्नाथ जी को पूजा कर सकते हैं, आप कोई और कृष्णा के कोई और विस्तार की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे हैं कि जगन्नाथ जी की पूजा कीजिए। इनफैक्ट जगन्नाथ रथ यात्रा तो पूरे विश्व में पहुंचाने का श्रेय तो श्रील प्रभुपाद को ही जाता। तो श्रील प्रभुपाद भी चाहते हैं, अब श्रील प्रभुपाद भी चाहते हैं, जगन्नाथ जी के पास टाइम में भी आया और आज के दिन में भी जगन्नाथ मंदिर में गीत गोविंद गा करके ही एंड होता है। बहुत अच्छा, जब ये पता भी चल गया उसके बाद भी देखिए मापदंड किस तरीके से सेट होता है। अब प्लीज मैं अपनी महिमा गान नहीं कर रहा, आप समझिए ये सारे मापदंड पे चलना पड़ता है। कभी भी कुछ स्थापित कर रहे हैं तो मनगढ़ंत कुछ स्थापित नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ हो गया तो फिर पता किया गया कि जगन्नाथ टेंपल बंद कितने बजे होता है। आप खुद भी सर्च कर सकते, पता चलो रात के 9 बजे बंद होता। अच्छा, रात के 9 बजे बंद होता, तो 9 बजे से पहले ही तो सिंग करना पड़ेगा ना, 9 बजे से पहले ही गाना पड़ेगा। सोने से पहले ही गाते हैं ना, सोने के बाद थोड़ी ना गाते हैं, 9 बजे से पहले कर रहे। ठीक है, आप समझिए। तो हर चीज का मापदंड सेट करना बहुत मुश्किल बात, धीरे 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 करके करेंगे। ठीक है, और शुद्ध मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे, और शुद्ध मार्ग पे, और फिर परफेक्ट मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। बीच में थोड़ा कष्ट वष्ट आए तो थोड़ा संयम रखिए, सब कुछ मेरे को मालूम है। जैसे क्या होता है ना, हम सभी चाहते हैं परफेक्ट काम हो, परंतु परफेक्शन एक दिन में आता नहीं है। या तो फिर काम को बाद में कर दें, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, या तो काम अभी करने लग जाए और धीरे धीरे परफेक्शन ले ना, दूसरा वाला ज्यादा अच्छा। हर दिन दर्द का अनुभव होगा कि आज भी गड़बड़ किया, आज भी गड़बड़ किया, आज भी गड़बड़ किया, धीरे 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 धीरे, क्योंकि गलत कार्य में तो नहीं लग रहा ना, कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे। हाँ ठीक है, तो और अच्छे से करने का कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में एक और चीज, आर यू, आप लोगों को आर यू आता है, बहुत अच्छा आर यू पढ़ा कीजिए, परंतु बहुत लोग नहीं भी पढ़ते। इसके लिए हम लोग एक कार्य शायद अगले 2-3 दिन में स्टार्ट कर दें, अभी बता दे। सुबह 7 बजे 7:02 से आरती होती है, 7:02 से आरती होती है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सुबह 7 बजे से आरयू स्टार्ट करेंगे। आरयू 4 कोट, 2 सुबह 2 शाम का, पिछले दिन का सुबह और शाम का रीड करेंगे, उसको एक्सप्लेन करना होगा 5 मिनट के अंदर। वो सबसे छोटी क्लास होगी, एक्चुअली मैं वो सुबह 7 बजे नहीं होने वाली थी, कोई और समय होने वाली थी, परंतु 5 मिनट का ही क्लास था, उसको भी कोशिश करेंगे और छोटा कर देने का, देखते हैं आगे कैसे होगा पता नहीं। तो क्या करेंगे, आरयू का कोट पढ़ेंगे और उसको कुछ समझना होगा
पांच मिनट के अंदर समझ करके चार कोट रहेगा, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, इस डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद के शब्द, ठीक है। पिछले दिन के जो चार कोट रहेंगे वो पढ़ेंगे और बस, है ना। और उसके बाद 7:05 से आरती स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये स्टार्ट करने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, 1-2 मिनट का कष्ट हो रहा है, देखते हैं वो कैसे होगा, वो भी कल से या परसों से। कल से तो नहीं कर रहे, कल से नहीं कर रहे, परसों तरसों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी स्टार्ट करते हैं और आगे भी और बहुत सारी चीजें स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे। जब हम लोग आरती स्टार्ट किए थे ना, जो लोग शुरू से आरती वाली क्लास में ज्वाइन करते, बड़ा अनऑर्गेनाइज था, समझ में नहीं आता था, कभी ये करते थे, कभी वो करते थे, कभी ऐसे कर रहा, कभी वैसे कर रहा। बाद में ऑर्गेनाइज हो गया ना, हो गया ना, चलते 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 सब रास्ता बन जाता है। चलने से क्यों डरे, चलते हैं ना। और रास्ता हम थोड़ी ना बनाते हैं, रास्ता जो बनाते हैं वो बनाए कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल प्रपाद ही रास्ता बनाते, वही रास्ता बनाए, वही रास्ता बनाए, हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, वही रास्ता बनाए। श्रीमती राधा रानी महारानी और कृष्ण ही रास्ता बनाते, वही रास्ता बनाए। हम तो बस स्वतंत्र इच्छा बता रहे हैं, हमको इस रास्ते चलना है। मेरा रिक्वेस्ट यही है, सब कोई दृढ़ता से इस रास्ते चलते रहे, ठीक है। और जब दृढ़ता से चलते रहेंगे तो जैसा वो राखे हैं वैसे रहेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फिर से हेरा पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 44 से स्टार्ट होगा, ओके। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी पहले आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार से बता दिया है। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम का अर्थ है भगवान के संबंध में हर तरह की जानकारी। चाहे हम भगवान की लीलाओं को सुने या उनके चरित्र, ख्याति अथवा उनके भक्तों के कार्यकलापों को सुने, वे सब एक हैं। नव दीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं को ही समझने का प्रयास करते हैं, वे उनके भक्तों के कार्यकलापों को सुनने में उतनी रुचि नहीं दिखाते, किंतु असली भक्तों को ऐसा भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। कभी कभी अल्प ज्ञानी श्री कृष्ण के रास नृत्य के विषय में सुनना चाहते हैं, किंतु वे श्रीमद् भागवत के अन्य अंशों को सुनने की परवाह नहीं करते। ऐसे अनेक वृत्ति चलाने वाले भागवत वाचक हैं, जो सीधे श्रीमद् भागवत के रासलीला खंडों में पहुंच जाते हैं, मानो भागवत के अन्य अंश बेकार हो। भेदभाव बरतना और भगवान की रासलीला का एकाएक पढ़ा जाना आचार्यों द्वारा मान्य नहीं है। निष्ठावान भक्त को श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अध्याय, यहाँ तक कि प्रत्येक शब्द को बड़े ही मनोयोग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ के श्लोक बताते हैं कि यह वैदिक साहित्य का पक्व फल है। भक्तों को भागवत का एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः मैत्रेय मुनि ने बल दिया है कि भागवत परम भक्तों द्वारा सम्मत अर्थात सम्मतम सताम है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए। और इसी का अगर हम दूसरे रूप से रख दें तो कोई श्रीमद् भागवतम कहीं से भी सुनने का प्रयास शुरू कर रहा हो, वो हमारे लिए, वो उनके लिए, वो वहीं से भगवान के बारे में जानने का जो प्रयास है उसको शुरुआत कर सकता है। देखिए क्या होगा, शुरुआती दौर में लोगों को असुविधा होती है और वो होगी। देखिए
जो अभी आजकल क्लासेस में जुड़ रहा है ना, वो लोग तो ज्यादा फॉर्चुनेट है। वो लोग बाकियों के एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारी बातें होती है, बोल देते हैं पुराने वाले डिवोटीज समझ लेंगे, नए वाले डिवोटीज क्या समझेंगे? वो समझेंगे कि ये सत्य है। तो जो नए होते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं, वो तो और फॉर्चुनेट होते हैं कि बिना पढ़े हुए भी वो ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से स्वीकार कर ले। दूसरा कोई सुन रहा है, जैसे सपोज करें 25 डिवोटी है पुराने, 4 डिवोटी है नए, तो नए वाले लोग है ना वो ज्यादा फॉर्चुनेट है। जब जब बोला जा रहा है कि पहले हम लोगों ने ये जाना था, उस समय ये जाना था, वहां पे ये लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था, तो पहले वाले लोग तो क्या गए, पहले वाले लोग को तो बोल रहे हाँ पढ़ा था, हाँ समझा था, परंतु सबके सामने बोला जा रहा है ना, 25 तो स्वीकार कर रहे, जो 4 है उनको ना जानते हुए भी उनको पता चल गया, अच्छा पहले ये बात भी हुई थी। बाकियों को तो एफर्ट करना पड़ा था ना, उनका एफर्टलेस लर्निंग था, बिना एफर्ट के है। तो परंतु असुविधा होगी, असुविधा इस बात की कि समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली नहीं समझ में आना चाहिए। शुरुआती दौर में किसी को भी नहीं समझ में आना चाहिए। कोई भी ऐसा बुद्धि प्राप्त नहीं है कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई एक ऐसा मिल जाए जो बोले कि मेरे को सब कुछ समझ में आया था, है अवश्य ही वो नित्य सिद्ध होगा। नित्य सिद्ध होना करीब करीब असंभव है, नित्य सिद्ध होना करीब करीब असंभव है। तो नए वाले, जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम पक्व फल है, पका हुआ फल है, जो नए वाले लोग हैं वो और फॉर्चुनेट। परंतु पुराने वाले लोगों को भी दृढ़ता मेंटेन करके चलनी चाहिए। देखिए क्या है, कोई भी एक शब्द जो श्रीमद् भागवतम में आया है, सब कुछ हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला है। हर एक शब्द, हर एक लाइन जो लिखी हुई है, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला है। हम हो सकता है मूर्खता में नहीं समझ में आए, जैसे बहुत सारा, जैसे अगर मैं भगवद गीता का एग्जाम्पल, तो भगवत गीता में अष्टांग योग आता है, अष्टांग योग में बहुत सारी चीजें आती है, हैं? पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं, अष्टांग योग नहीं, नहीं अष्टांग योग नहीं, भक्ति योग। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी सांख्य की बातें होती है ना, समझदारी की बात। तो जब समझदारी की बातें होती हैं, तो समझदारी के बाद, सारा बात समझने के बाद क्या बोलते हैं, अच्छा ये सब कुछ समझ करके कृष्णा को समझना। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चैतन्य चैतन्यमृत में जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय जान रहे थे हैं, अनंत शेष, शेषनाग के बारे में ऑपुलेंस बताया जा रहा था, उनके बारे में और डिटेल्स बताई जा रही थी। जब ये सारी बातें जान रहे थे, तो यही जान रहे थे कि नहीं समझ में आएगा, इतना कुछ जानने का हृदय मत रखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, नहीं समझ में आया दुखी मत होइए, है ना, दुखी मत होइएगा, इतना इतना कुछ जान करके कुछ होगा नहीं। ठीक है, कोई बात, समझने का कोशिश कीजिए, आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कंटिन्यू करें। तो बहुत सारी बातें जो हमको नहीं समझ में आएगी, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सोच लें कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम छोड़ दें। इनफैक्ट गुरु हमें इस प्रकार से हाथ पकड़ के इस प्रकार से चलाते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे श्लोक होते हैं ना, उसमें तात्पर्य बहुत कम होता, नहीं होता है ना, मीनिंग होता है,
क्या एक मिनट क्या बोलते हैं अनुवाद लिखा हुआ नहीं था, मैं ढूंढ रहा था कुछ लिखा हुआ। अनुवाद तो होता है परंतु तात्पर्य नहीं होता। तात्पर्य मात्र इसलिए नहीं होता है कि उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, या फिर जो समझना है वो आगे समझाएंगे, है ना। तो गुरु कृपालु होते हैं, जो अनइम्पोर्टेंट चीज होती है, अनइम्पोर्टेंट कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं होता, परंतु हमारे समझ के लिए, हमारे हृदय समझ के लिए बोले तो माइंड का भी है, हार्ट का भी है ना। प्लीज एक बात हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, जब हृदय के समझ के लिए बोल रहे हैं तो ये एक्चुअली में सेंटेंस ही गड़बड़ है, हृदय के अनुभव करने के लिए। परंतु जब बोलेंगे ना हृदय से अनुभव कीजिए, तो आपको लगेगा पता नहीं कौन सी विदेशी भाषा हो, क्या करना है हृदय से अनुभव करना, ये क्या है ना। उसी लिए बोलते हैं हृदय से समझ, हृदय से समझना। हम लोग हृदय से समझना इससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं उसी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम हृदय से नहीं समझ पाते, है ना, और जो हृदय से समझ नहीं पाते उससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ठीक है, हम उसको थोड़ा सा कम समझे चलेगा, परंतु ठीक उसी स्तर पे बहुत सारी बातें होती है जो कि हृदय से समझना चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी बातें होती है, हमको वो सारी बातें ज्यादा समझनी चाहिए, परंतु कुछ भी ऐसा सोच लें कि ऐसा अनइम्पोर्टेंट चीज चल रहा है, इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो बुद्धिमता के स्तर पे होता है, बहुत लोग है ना बुद्धि के स्तर पे समझना चाहते हैं, उनको उसी स्तर पे समझाया जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे, श्रीमद् भागवतम में समय की छोटी से बड़ी से बड़ी मापदंड बताया हुआ है, उसको मापने बताया हुआ है, सूक्ष्म से सूक्ष्म समय के कण को कैसे नापा जाए और बड़े से बड़े कण समय का काल को कैसे नापा जाए, नापा हुआ। जो साइंटिस्ट जानना चाहते हैं वो जान ले, हमारा लक्ष्य है नहीं है, हमको समझना है नहीं समझना, लिखा हुआ है हाँ लिखा हुआ है ना। तो जो अपने समझने के लिए है हमको वही लक्ष्य प्राप्त करना है। ज्ञान तो असीमित, परंतु ज्ञान हमको तो कुछ कुछ चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है रिजेक्ट कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट। हम बोले नहीं ये सब नहीं, नहीं ये सब हम नहीं ले पा रहे, हमारी बुद्धिमत्ता का स्तर वो नहीं है, है ना। आई होप चीजें एकदम क्लियर, ठीक है, ठीक है। एक एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और यहां पे भी जो नए लोग हैं ना वो पुराने लोगों के अनुभव से सीख सकते हैं। फिर से ये बार बार आप लोग देखिए कितना कितना आप लोगों पे कृपा हो रही। कुछ लोग बोलते हैं ना अभी अभी हम जुड़े हैं तो हम क्या करें, है ना, मुझे हंसी आती है। एक्चुअली में आप तो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट है। जैसे एक एग्जाम्पल दे, एक सच सच बात बताइए, झूठ मत बोलिएगा प्लीज, मैं झूठ नहीं चाहता। अब जो अगर सच है तो यस बोलिएगा, नहीं है तो नो बताइएगा। जब आप शुरू शुरू में जुड़े, पुराने लोगों से प्रश्न है, पुराने लोग मतलब जो 6 महीना 1 साल पुराने, हाँ, जब आप शुरू शुरू में जुड़े तो आप बस भगवान के बारे में जानना चाहते थे ना, गुरु तत्व के बारे में जानना भी चाहते थे क्या, गुरु के बारे में जानना चाहते थे या भक्तों के बारे में जानना चाहते थे, भक्तों की महिमा जानना चाहते थे, भक्तों के गुणों को जानना चाहते थे, भक्तों ने क्या क्या किया ये जानना चाहते थे, बस बस भगवान के बारे में जानना चाहते थे ना, यस नो, हैं? शुरू शुरू में जब जुड़े तो बस भगवान के बारे में जानना चाहते थे ना, हैं? और धीरे 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 भक्तों की भी महिमा जानना चाहते हैं, है ना। शुरू में तो भक्तों के बारे में नहीं जानना था,
हमको क्यों जानना है भक्तों के बारे में? हमको नहीं जानना, भक्तों के बारे में नहीं जानना, बस भगवान के बारे में बताइए ना। गुरु के बारे में क्यों बताते हैं? हमको भगवान के बारे में बताइए ना, हमको बस भगवान के बारे में बता दीजिए, है ना। शुरुआती दौर में हम नहीं जानना चाहते, बाद में हमें यह अनुभव होता है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान से अलग नहीं होता। अब सब कोई, पुराने लोग फिर से एक और बार बताइए, अब सब कोई, अगर कोई शुद्ध भक्त के बारे में जानने का मौका मिल जाए तो अब सब कोई जानना चाहते नहीं जानना चाहते? पहले नहीं जानना चाहते थे और अब जानना चाहते नहीं जानना चाहते? यस नो? अब मौका मिल जाए, अगर कोई भी शुद्ध भक्त मिल जाए, ये शुद्ध भक्त है, उसके बारे में जानने का कुछ भी डिटेल, अब जानना चाहते नहीं जानना चाहते? सब जानना चाहते हैं ना, सब जानना चाहते हैं ना। देखिए यही फर्क है। अब पुराने नए लोग क्या, नए लोग बस ये अनुभव को देख सकते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा होगा, ओके ठीक है ना। तो ये है प्रैक्टिकली किस प्रकार से नए लोगों को लाभ मिलता है। तो पुराने लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु नए लोगों से, नए लोगों का तो बेनिफिट हो जाता है, अच्छा है, नए लोगों का बेनिफिट हो जाए अच्छा है, परंतु पुराने लोगों को अपनी दृढ़ता नहीं छोड़नी चाहिए। तो यही है, शुरुआती दौर में हम लोग भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान की संबंधी चीजों को भी नहीं जानना चाहते, भक्तों के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, गुरु के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। बाद में पता चलता है कि गुरु कृपालु होते हैं, गुरु के कारण ही तो हम भगवान तक पहुंच रहे हैं, उसके लिए, उसके बाद हम गुरु के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बाद स्तर दूसरा आ जाता है, उसके बाद स्तर आ जाता है, हम गुरु को ही जानना चाहते हैं, गुरु की ही जानना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो भगवान तक ले जाएंगे, हमको भगवान के बारे में नहीं जानना, गुरु ने बताया तो जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, स्वतंत्र रूप से हमको भगवान के बारे में नहीं जानना। अभी बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, मेरे को सीरियसली अभी तक नहीं पता था ये एग्जांपल अभी काम आ जाएगा। थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना, अगर कोई भगवत भक्त ना हो, गुरु के प्रति समर्पित ना हो, और उसके मुख से हम कुछ अच्छा सुन लें, तो हमारे हृदय में बदलाव तो होगा परंतु बहुत कम होगा। परंतु कोई अगर भगवत भक्त है, गुरु के प्रति समर्पित है, तो अगर हम उसके मुख से कुछ भी सुन लें तो सच में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये गुरु करार है, क्योंकि ये कृष्णा करार है। हम अपने प्रयास से क्या कर सकते हैं, परंतु अगर गुरु करा दे, अगर कृष्णा करा दे, तो चेंज को कोई रोक सकता है क्या? वो बदलाव को कोई रोक सकता है? इसीलिए बड़ा बदलाव है। अब मूर्खता बस इतनी है कि सब कुछ आने के बाद भी, सारा बदलाव आने के बाद भी, हम स्वीकार भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हम क्या बोलते हैं, हमको भक्ति नहीं करते। हम आगे नहीं सुनेंगे, हम इससे ज्यादा नहीं सुनेंगे, हैं? ये मूर्खता, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये मूर्खता। आपसे पूछा था क्या, जो दिन आप भक्ति करने का प्रयास शुरू कर रहे थे, उस दिन आपसे पूछा था किसी ने आप कितना कर सकते कितना नहीं कर सकते? प्लीज समझिए, मैं कल भी बात, ये बात बोल रहा था, आज भी शायद वही रिपीट कर रहा हूं। भक्ति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख जानते हो, सबसे समझदार जानते हो, आपके पास बहुत शक्ति है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं। अगर सच में भक्ति करना तो गुरु कृपा से होती है। प्लीज समझिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भक्ति रसामृत सिंधु बोल रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु में साफ साफ लिखा होगा, हरि, गुरु और वैष्णव की कृपा से भक्ति होती है। और कैसी कृपा? अहेतु की कृपा,
जो डिजर्व नहीं करता है वो मिल जाए। यहाँ पे कहीं लिखा है क्या अपने प्रयास से भक्ति होती है? नहीं लिखा। अपने सामर्थ्य से भक्ति होती है? नहीं लिखा। अपनी बुद्धि से भक्ति होती है? नहीं लिखा। कृपा से भक्ति होती है, हरि गुरु और वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है। जो उस कृपा को स्वीकारेगा वो भक्ति करेगा, जो उस कृपा को नहीं स्वीकारेगा भक्ति नहीं करेगा। इतना सरल है, इतना सरल है। और ये कृपा सभी पे होगी। कोई बोले हम तो दूसरे पंथ के हैं, हम तो दूसरा रास्ता जानते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वह। कृपा तो उस पे भी हो रही है, वो स्वीकार नहीं कर रहा, बस इतना सरल। प्लीज समझिए, ये सुनना और समझना बड़ा मुश्किल है। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा चल रहा है, हम लोगों के जो नाम आचार्य हैं ना, जिनको इस प्रकार का स्थान दे दिया गया, इस प्रकार का सम्मान दिया गया, जो दिन में 18 घंटे नाम जपते थे, भगवान का 100,000 नाम जपते थे, नामाचार्य, वो दूसरे पंथ में जन्म लिए हुए, मुस्लिम पंथ में। प्लीज एक बात आप लोग एकदम दृढ़ता से लिख लीजिए, है ना, जिसको नहीं समझ में आया वो भी लिख लीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब धर्म नहीं है, ये सब पंथ है, रास्ते। धर्म तो मात्र एक है, सनातन। हम सभी सनातनी हैं। कोई पुत्र अपने पिता को अस्वीकार कर दे, बोले कि आप मेरे पिता नहीं, बोले हम आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आजकल हो जाता है ना, पुत्र पैसा कमा लेता है, प्रतिष्ठा बन जाती है, उसके बाद पुत्र पिता को छोड़ देता है, होता है ना, बहुत सुने ना। इस प्रकार से कोई पुत्र बोले हम तो नहीं जानते आपको, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं, आप मेरे पिता नहीं। अगर कोई पुत्र इस प्रकार का दृष्टता कर दे, मूर्खता कर दे, इसका अर्थ ये नहीं है कि पुत्र और पिता का संबंध खत्म हो गया। इसका अर्थ ये है कि पुत्र इतना मूर्ख है कि संबंध को तोड़ना चाहता है। संबंध टूटता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कोई अपने आप को बोल दे हम दूसरे पंथ पे चलना चाहते, दूसरे रास्ते चलना चाहते, मूर्ख है। बहुत सारे पुत्र मूर्ख होते हैं, यहाँ पे अधिकाधिक लोग मूर्खी हैं, गलत रास्ते चलना चाहते, परंतु ठीक है, फिर भी संबंध नहीं टूटता। फिर भी कृष्णा का और कृष्णा के भक्तों का संबंध नहीं टूटता। तो हमारे जो नाम आचार्य है ना, वो हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर मुस्लिम पंथ में जन्म लिए हुए थे, और क्योंकि आतंकी हमले बहुत हुए जगन्नाथ जी पे, तो मुस्लिम लोगों को एंटर करने से मना कर दिया, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, मुस्लिम पंथ वालों को नहीं घुसने दिया जाएगा। क्यों? वो आतंकवादी गतिविधियां कर देते हैं, और किए हैं, इतिहास में किए हैं। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर हुआ करता था, बहुत विशाल, है ना, बहुत विशाल, परंतु आतंकी मानसिकता वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे ना, भगवान की कैसे पूजा चल रही है। यहां से गोविंद देव जी को
जयपुर तक ले जाएगी छुपा कर, यहाँ पे मंदिर को तहस नहस किया जा रहा था, गोविंद देव जी को जयपुर पहुंचा दिया गया। आज गोविंद देव जी जयपुर में, तो प्लीज कोई ये ना समझे कोई पार्शियलिटी कर रहा है, उसी लिए बता रहा हूं, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही, ये इतिहास है हमारा, स्वीकारिए इसको, ना नफरत है ना घृणा, जो सत्य है उसको स्वीकारना है। तो इस प्रकार का इतिहास में हुआ, और मालूम है क्या, आज भी जो चल रहा है ना वो इसी रास्ते चल रहा है, आज भी इसी रास्ते चल रहा है कि गलत का साथ देते हैं, सही के लिए खड़े नहीं रहते। एक बात बताइए, आप सोच के बताइए, झूठ झूठ मत बोलिएगा, सोच के बताइए, अगर सपोज करें रोड पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, आप जहां पे रहते हैं वहां से बस आगे निकले और मेन रोड पे पहुंच गए और वहां पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्या आप बिना किसी संशय, प्लीज एक 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 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, बिना किसी संशय, बिना किसी संशय, क्या आप सही का साथ देने के लिए खड़े रहिएगा क्या? मतलब कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम तो सही का साथ देंगे, कोई ऐसा करेगा क्या? यस नो, कि पहले डरेगा? यस नो, हरे कृष्णा, हाँ या नहीं, सच सच बोलिए ना, हैं? खड़ा रहेगा सही ये है तो हम इसका साथ देंगे, हैं? सोच के देखिए ना हम लोग कहां जा रहे हैं, ये हिपोक्रेसी होता है, यही है हिपोक्रेसी वाला दुनिया, यही है झूठ वाला दुनिया, कोई सच है कोई सही है हम उसका साथ देते हुए पहले सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, है ना, सही और गलत मैटर नहीं करता, सही और गलत मैटर नहीं, ये तो जो नामाचार्य हुए ना हरिदास ठाकुर, हैं, होने के लिए तो मुस्लिम पंथ में जन्म लिए, मुस्लिम पंथ में जन्म लेने के लिए फिर जगन्नाथ मंदिर में नहीं घुसने को मौका मिलता, परंतु ना तो जगन्नाथ महाप्रभु ना चैतन्य महाप्रभु उनको तिरस्कृत किए, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य बना दिया, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा से अलग नहीं है, नामाचार्य बना दिया, 18 घंटे और उससे भी अधिक बस कृष्णा का नाम जपते रहते, कभी कभी 20-22 घंटे बस कृष्णा का नाम जपते रहते, बस हरे कृष्णा महामंत्र जपते रहते, हैं? प्लीज समझिए हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर का बराबरी कर सके, है ना, हम वैसा जीवन जी पाए ऐसी हमारी स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी इस बात को स्वीकारना चाहिए, चाहे कोई कोई भी पंथ में जन्म लिया, चाहे कोई किसी भी संगति में रहा हो, वो हमेशा उसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, एक 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 विकल्प रहता है कि वो अपना जीवन शुद्धता से जी सके, है ना, स्वीकारना होता है, स्वीकारना होता है, आप सत्य स्वीकारते चले जाइएगा इसी जीवन में शुद्ध हो जाइए, इसीलिए बोलते हैं शुद्धता जहां समर्पण वहां, शुद्धता का पालन करके तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य बन गया, और हम सोचते हैं कोई बात नहीं थोड़ा मिलावट चलेगा अशुद्ध रास्ते पे ही चल लेते हैं, आसान है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अशुद्ध वाले मार्ग पे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, जो शुद्ध मार्ग है उसी उसी पे चलेंगे, चाहे कष्ट होता है तो होते रहे, है ना, और बाकियों के लिए एक सरल रास्ता इसलिए है क्योंकि गुरु ने बोला है, क्योंकि गुरु ने बोला है अशुद्ध मार्ग पर नहीं चलना। अभी एक कोट श्रील प्रभुपाद का बताते हैं, है ना, देखिए 4-5 मिनट
अपने अपने बारे में पहले सोचते हैं। चलिए चार पांच मिनट एक्सटेंड करने दीजिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर चैलेंजिंग ऑल दीज सो कॉल्ड स्वामीज एंड गुरुज। श्रील प्रभुपाद अपने एक शिष्य है बहुलश्व ओके, उनको ये बात बोल रहे हैं एक लेटर में 30 नवंबर 1971। वो बोल रहे हैं आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर चैलेंजिंग ऑल दीज सो कॉल्ड स्वामीज एंड गुरुज। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप ये तथाकथित स्वामी और गुरुओं को चैलेंज कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, बस श्रील प्रभुपाद ही नहीं, श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की भी बात कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, माई गुरु महाराज एप्रिशिएटेड डिवोटीज हु बोल्डली प्रेजेंटेड आवर वैष्णव फिलोसफी। मेरे गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते थे कोई वैष्णव फिलोसफी को बहुत स्ट्रांगली रखता होता। वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू डिफीट दीज रास्कल्स एंड ड्राइव देम अवे। रास्कल मूर्खों के लिए यूज करते थे। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हमको सभी अपॉर्चुनिटी अवसर को इस्तेमाल करना चाहिए ये सारे मूर्खों को निकाल फेंकने के लिए। सो प्लीज कंटिन्यू दिस स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। बोल रहे हैं कि तुम अपना ये जो स्ट्रॉन्ग व्यवहार है उसको जारी रखो, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कैसे प्रसन्न होंगे आपके सामने। सिद्धांतों से समझौता नहीं, ठीक है, सिद्धांतों से समझौता नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धांतों से समझौता नहीं, बाकी चीजें से समझौता होता है नहीं होता वो अलग चीज है, सिद्धांतों से समझौता नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं, ठीक है। सरिता माता जी लेफ्ट आउट हो गई थी, एक बार फिर से बोल देता हूं। देखिए ये सब कुछ जाना, ये सब कुछ जान करके क्या जान रहे हैं, सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं। सिद्धांत मैं स्थापित नहीं कर रहा, श्रील प्रभुपाद भी स्थापित नहीं कर रहे थे, उनके गुरु महाराज स्थापित कर रहे थे और उनके गुरु महाराज भी उनके गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए, ठीक है। बड़ा सरल होता है, बड़ा सरल होता है कि हम अपने आंखों के सामने कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं और फिर सोच रहे हैं हम जाएंगे तो हम ही फंसेंगे, एक काम करते हम निकलते हैं। बड़ा सरल होता है सहजिया बनना, बड़ा सरल होता है सही का साथ नहीं देना, बड़ा सरल होता है गलत रास्ते चलना, बड़ा सरल होता है, परंतु हम नहीं चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कष्टों में भर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कष्ट में सह रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। आप लोगों को कष्ट आएगा तो वो भी बहुत कम आएगा, परंतु मेरे लिए आप सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए। शुद्धता रहे वहीं पे समर्पण कीजिए, झूठे पाखंडी के पास जाकर के समर्पण कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। शुद्धता होनी चाहिए नहीं तो भक्ति नहीं रहेगी। नोट कर लीजिए, शुद्धता होनी ही चाहिए नहीं तो भक्ति नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनके को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया हैंड्स करें। हरे कृष्णा। किन्हीं एक डिवोटी को कल परसों मौका नहीं मिला था, ओके। मनीषा माता जी आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैष्णदेव्यो नमो नमः। वैष्णदेव्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
कृष्ण कृपा श्रीमद् कृष्ण प्रभात की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम प्रतिनिषेधम की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और ये स्किनी की कोई जिज्ञासाएं हैं तो हरे कृष्णा ये स्किनी की कोई जिज्ञासा है जल्दी से हैंड रेस करें। जगन्नाथ जी का पास टाइम सुनेंगे तो कोई थोड़ा सा वेट कीजिए ज्यादा देर नहीं। ओके 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 नहीं ये नहीं यस एक बहुत अच्छा पास टाइम था ओके ये यस हरे कृष्णा किन्हीं की कोई जिज्ञासा है प्लीज पूछ लीजिए अगर जिज्ञासा है तो हरे कृष्णा कोई जिज्ञासा है नहीं है फर्स्ट टाइम सुने ओके चलिए एक बार स्टॉप शेयरिंग करते हैं फिर से शेयर करते हैं। साउंड का दिक्कत हो जाता कभी कभी भट वो कृष्णा को ढूंढने नहीं आए थे वो पर ब्रह्म को ढूंढने आए थे तो कृष्णा ने पर ब्रह्म से मिला दिया इसीलिए आपने नोट किया आत्मा का विलय हो गया। अब भगवान को ढूंढने जाएंगे भगवान मिल जाएंगे ब्रह्मन परमात्मा भगवान वो ब्रह्मन को ढूंढने गए थे तो ब्रह्मन मिल गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोग चाह रहे थे कि भगवान के दर्शन करें और अब वापस घर चले जाएं है ना। अगर आप भी क्लास में जुड़े हैं और सोच रहे हैं भगवान की बातें सुने और अब वापस से अपने गृहस्थी में बोलते हैं गृहस्थी परंतु गृह में ही होता है मैं वापस लग जाए तो वो एक्चुअली में कोई लाभ नहीं देगा परंतु अगर वैसा सोचें तो वही कार्य हो जाएगा। देखिए प्लीज समझिए गुरु के प्रति अगर समर्पित रहिएगा तो गुरु कान पकड़ गए बोलेंगे ये क्या कर रहा हो वापस भक्ति कर है ना। गुरु के पास दूसरा गुरु कोई दूसरा विकल्प नहीं बताते अब भक्ति करो वो खुश रहेंगे भक्ति नहीं करो खुश नहीं रहेंगे। तो बाकियों के पास विकल्प होता है गुरु के पास विकल्प नहीं होता। तो जिन लोगों को अलग अलग भिन्न भिन्न विकल्प चाहिए वो तो भिन्न भिन्न विकल्प ले लें परंतु गुरु के पास कोई विकल्प नहीं है। गुरु के पास बस मात्र इतना विकल्प कि सब कोई भक्ति में दृढ़ता से लग जाए अपने जीवन को सार्थक बना दे। हरे कृष्ण जिनकी नहीं की कोई जिज्ञासाएं हैं वो कृपया पूछ लें। हरे कृष्ण कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा है कोई भी जिज्ञासा है नहीं है हरे कृष्णा नहीं है जिज्ञासा चलिए फिर 7 मिनट बचा है फिर कीर्तन सुनते हैं। मैं चाहता हूं जिज्ञासा पूछें अभी भी चैट में जिज्ञासा आएगी तो मैं आंसर करूंगा ठीक है। क्लास से रिलेटेड हो यहाँ से रिलेटेड हो कल परसों से रिलेटेड हो कभी से भी रिलेटेड हो कभी जो बात नहीं की उससे भी रिलेटेड हो कृपया पूछ लें ठीक है। मैं कीर्तन शेयर कर रहा हूँ परंतु अगर जिज्ञासा है अनम्यूट कर लीजिएगा हैंड रेज कर लीजिएगा। Thank you.